भाई कैसा लग रहा है इसके लिए, बस ये है मेरी है। الطابق الأرضي ground floor مدينه में बारिश देख Assalamualaikum, खुशामदीद आप सबका एक नए दिन नए व्लॉग में। जी हाँ, एक नया दिन हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ। देखे आज मैंने पता नहीं कुर्ता पहना है या कोई भी कुर्ता हो, जैसा भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ में है। और ग्रीन टोपी ना पहने और कुर्ता ना पहने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हो गया हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:04 है, 20 मिनट होंगे। अब हम जा रहे हैं हरम वापस से, वहाँ हम तहज्जुद पढ़ेंगे और फजर नमाज पढ़ के वापस आएंगे। थोड़ा आराम करेंगे फिर निकलेंगे, क्योंकि कल हमारा आज हमारा आखिरी दिन है। दोपहर को हम निकल जाएंगे हरमैन वापस से, वापस वहीं जाएंगे हम जिद्दा एयरपोर्ट, फिर उधर से हमारी रात को फ़्लाइट है। बस आपके साथ एक एक चीज़ शेयर करेंगे जिद्दा एयरपोर्ट, इस पर हम खूब अच्छी तरह शेयर करेंगे आपके साथ। तो आप ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और कमेंट अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कमेंट भी कर लें और हमें बताएं कि आपका एक्सपीरियंस मदीना में कैसा था। बस मिलते हैं आपसे हरम पहुँच कर, मस्जिद नबवी पहुँच कर। तब तक के लिए आप सो जाएँ, क्योंकि आप तो अभी सो रहे होंगे, मैं 100% कह सकता हूँ। तो बस चलते हैं। आज बताएं आप, आज मैं आपका बाइक कैसा लग रहा है? ये एयरटोल वाली अंगूठी भी पहनी है और ये गरीब आज पहनी है। बस ये है मेरा आज का, मैं चंपल पहनूंगा अभी। इधर ये मेस्टअप है, थोड़ा सामान मैंने सही से कर लिया था। यहाँ पर मैंने अपनी सहरी भी खा ली थी, चाय भी बना ली थी, देखिए मैंने चाय भी बनाई थी खुद, सारी चीज़ें। ये होटल वाकई में बहुत ही अच्छी होटल है। यहाँ पर हर एक किस्म की फैसिलिटी है, तो और रूम्स भी बहुत ही अच्छे हैं, कंजेस्टेड नहीं है, वॉकिंग भी ज़्यादा नहीं है। अच्छी खासी वॉकिंग भी हो, जैसे इतनी ज़्यादा नहीं है, 6 मिनट ज़्यादा हो गया हरम पहुँच जाते हैं। बस अब मिलते हैं आपसे हरम पहुँच कर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सो जाए। ये देखिए ये सारी पेंटिंग्स है, माशाल्लाह से ये अच्छी चीज़ है ना, 3D पेंटिंग की है मैंने। ओके 9th फ्लोर तो आ गए हम। ज़रूर बताएगा मुझे कि कैसा लग रहा हूँ, कुछ लग रहा हूँ कि कोई कैसा भी हूँ, लग रहा हूँ मेज़ान इन पर के طابق الميزانين ميزان فلور الطابق الأرضي ground floor। ये लॉबी एरिया है, वो रिसेप्शन है। बारिश हो रही है बाहर, या अल्लाह यहाँ तो जोर की बारिश है, माशाल्लाह। हम देखें हमारा नसीब कितना अच्छा है, हरम में भी माशाल्लाह, मक्का में भी वेदर अच्छा था और यहाँ पर भी देखें बारिश ही बारिश है। बस और क्या चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। चले पहुँचते हैं हरम, अभी मेरा फ़ोन रख देता हूँ मैं, भीग ना जाए। ये हमारी होटल, या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। बस मिलते हैं आपसे वापस, क्योंकि ये बारिश तो ज़ोर सी हो रही है, पूरे कपड़े मेरे गीले हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे वहाँ पहुँच कर। सुन सकते ना आप, बिजली की वो खर खर आ रही। अब ये क्या, आपने ये देखा
सुन रहे हैं ना आप? जल्दी से हम मस्जिद में पहुंच कर ये मेरे मेरे साथ कभी नहीं हुआ, पर ये पहली बार मदीने में बारिश देखी है। इतनी इतनी वाली नहीं देखी, इतनी जोर वाली नहीं देखी। मेरे अल्लाह की रहमत है, एक मदीने में हमारा इस्तकबाल हो रहा है शायद। ये देखिए बारिश तो बहुत तेज़ है, पर यहाँ की बारिश मुझे यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये नुकसान नहीं पहुँचा। समझ आ रही है, बस पानी देखें आप कितना भरा हुआ है। अब हम मस्जिद जा रहे हैं, वहीं पर आप सीख रहे हैं। हरम आज पूरा भींगा हुआ है, देखिए मस्जिद घमामा हो रही है। मुझे तो इतनी मैं तो बता ही नहीं, एहसास ही नहीं कर सकता आपको मेरा एहसास क्या है। बस हमें पहुंचना ही है वहाँ पर जल्द से जल्द। मदीने में लोग स्वेटर्स शुरू हो गए पहले, ये सर्विस है आपने माशा। ये देखा आपने, ये देखने वाला था मस्जिद घमामा के ऊपर, आपने देखा ना बिजली कैसे चिपकी। मैं थक गया हूँ चल चल के, मस्जिद तो दूर नहीं आ सकती। ख्याल से जाना पड़ेगा, चाहे जिना अंदर भाग भी नहीं सकते। बारिश फुल तेजी से, कोई नहीं दिखा यहाँ, पूरे पूरे टाइल्स हैं, पूरे टाइल्स हैं। देख क्या ऐसा नज़ारा मिलने को मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मस्जिद कुबा आया हूँ दो रकात नफल पढ़ने, क्योंकि दो रकात नफल पढ़ने का सवाब उम्रा का सवाब है, पर आपको वजू घर से ही करके निकलना चाहिए। और यहाँ पर दो रकात नफल अदा करके इंशाल्लाह दो एक उम्रे का सवाब हो गया। ये रही मस्जिद कुबा, ये मैं पीछे की तरफ हूँ, इधर से आगे जा रहा हूँ। लाइव गया हूँ मैं, इनफेक्ट सब कुछ लाइव था, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, या तो मैं लिंक कहीं डिस्क्रिप्शन या ऊपर कहीं लगा दूंगा, आप देख लेना। पर लाइव था वो, शायद आप बोरिंग लगे क्योंकि लाइव है इसलिए, पर फिर भी अच्छा है ना लाइव एक्सपीरियंस होता है। यहाँ सब वजू भी कर सकते हैं, पर घर से वजू करना और भी बेहतर होता है। ये है मस्जिद कुबा, पहली मस्जिद जो हज़रत हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के वक्त बनाई थी।
बस अब हम जा रहे हैं वापस। वो अजवा है और ये भी अजवा है। सारी के तो यहाँ से हमने ये सारी ले ली है। अब हम जा रहे हैं बैग ढूंढने, फिर हम जाते हैं वापस होटल और हमारा मेन डायरेक्ट जा रहे हैं वो मदीना छोड़ के जा रहे हैं। हमें बहुत याद आएगी, यहाँ महीना भी कम है, दिन भी कम है यार, बस जाए ना तो अच्छा हो।